देपालपुर के नगर हातोद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने व्यासपीठ का पूजन किया। जैसे ही कंस की जेल में कृष्ण ने जन्म लिया, सारा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक पंडित जितेंद्र पाठक पालका काकरिया वाले ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु झूमने लगे। कृष्ण जन्म पर पुष्प वर्षा की गई और थाली बजा आतिशबाजी की गई। इससे पहले कथावाचक ने कहा कि दानवेंद्र राजा बलि ने भगवान को अपना द्वारपाल बनाकर रखा तो लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाया। उसके राज्य में चारों ओर धन दौलत सुख समृद्धि का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इसी प्रकार यदि हम नारायण की सेवा में रहते हुए न्याय सत्य सत्मार्ग पर चलेंगे तो यह निश्चय मानिए कि हमारा घर परिवार भी फल फूलेगा। घर में हमेशा सुख शांति लक्ष्मी का वास होगा। कथा में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन भागवत की ओर से धरती पर गंगा अवतरण विराम कथा के कुछ प्रसंग सुनाए। कृष्ण लीला की झांकियां निकाली गई। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के स्वागत में पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि इसका मन मक्खन की तरह होता है, उसका मन कन्हैया चुरा लेता है। उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों व बाल लीलाओं के प्रसंग सुनाए। इस पर श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने समुद्र मंथन, कृष्ण जन्म, गोवर्धन पूजा, पूतना का उद्धार, संकटासुर का वध, कालिया मर्दन और यशोदा को सारे ब्रह्मांड के मुख में दर्शन कराने के प्रसंग बताए। क्योंकि देखो जब शादी में नाचते हैं तो दुनिया देखती है।